नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। तो लखनऊ से, जहां मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बस्ती जनपद की राप्ती हेचरी का औचक निरीक्षण किया। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि राप्ती हेचरी दूसरे स्थान पर है। बताते चले कि पूर्व की सरकारों ने मत्स्य विभाग को लचर बनाया है। इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि उत्तर प्रदेश को मत्स्य क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदेश बनाना, पर दूसरे प्रदेश की मछली बंद हो, हम अपने प्रदेश में गुणवत्ता की मछली पैदा करें। ये हेचरी पता चला कि दूसरे नंबर पर है प्रदेश में प्रोडक्शन में और लाभ में। मैं चाहता हूँ कि इसे एक नंबर लाएगा। वहीं लखनऊ में सभी जिला अस्पतालों, बाल महिला चिकित्सालय, शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस मनाया गया। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी केजरीवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिल्वर जुबली में पीएम एसएमए दिवस का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका यादव और उपस्थित गर्भवतियों से बात की। इस मौके पर चिकित्सक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी रश्मि सिंह और बीएमसी का स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं लखनऊ में मित्र पुलिस की मित्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मित्र पुलिस के दरोगा साहब महिला के सामने मां बहन की गालियां देते हुए संबोधित करते नजर आ रहे हैं। गालीबाज दरोगा का वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि भाजपा कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। बीजेपी राज्य मुख्यालय के सामने बनी चौक के दरोगा साहब मित्र पुलिसिंग को इस तरह पेश करते हैं, ये तो इसे देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। बताते चले कि महिला सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस खुद ही मर्यादा भूल गई है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, दरोगा साहब आपत्तिजनक भाषा में बात करते हुए दिख रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि पुलिस अपनी मर्यादा खोती हुई दिखाई दे रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एक महिला के साथ दरोगा साहब। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता जागरूक होते हुए भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कमजोर दिख रहे हैं। ये बातें पूर्व नगर पालिका भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल ने अपने मताधिकार करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आम मतदाताओं से खाली हमारी इतनी अपील है, पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लोग जो है मतदान के प्रति जागरूक है और घर से निकल रहे हैं। लेकिन जिस गति से अपील की गई थी निकलना चाहिए था, उसमें अभी थोड़ी शिथिलता है। आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी मीडिया चैनल के माध्यम से आवाज़ को सुन रहे हैं, आप लोग राष्ट्र के नाम पर और नगर पालिका के विकास के नाम पर, चहुमुखी विकास के नाम पर अपने घरों से निकलें और सर्वाधिक मतदान करें और अपने पास पड़ोस को भी लेकर आवें। आज यह मतदान नगर के विकास की एक नई दिशा लिखने जा रहा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मतदान अवश्य करें। सब पर्चियां घर घर पहुंची हैं, जिनके घर में पर्ची नहीं पहुंची, यहां पर बूथ पर सरकारी व्यवस्था भी है, तमाम पार्टी के जो है यहां पर फल भी लगे हैं, यहां से आपको पर्ची मिल जाएगी और आई कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक पर्चे पत्र साथ में अवश्य लेकर आएं। वहीं हरदोई में सव्याजपुर थाना क्षेत्र के महरेपुर में कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। फिर कार के रिक्शा में टक्कर मारने से दो लोग घायल भी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया है और वे मौके के लिए रवाना हो गए। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है।
ये थाना क्षेत्र सवाइजपुर में ग्राम है मेहरेपुर। हाईवे पे ही एक बाइक सवार दो व्यक्ति जिसमें पिता पुत्र थे, उनकी बाइक जो है एक वैगनार कार से टकराई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और वैगनार ई रिक्शा में टकराया है तो ई रिक्शा में दो लोग घायल हैं, उनको हल्की फुल्की चोटें आई, उनका इलाज हो रहा है। वहीं शाहजहांपुर में सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने सपा प्रत्याशी माला राठौर के साथ रेलवे अस्पताल मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने मंत्री को करारा जवाब भी दिया। आपको बता दें कि आज स्थानीय नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान किया जा रहा है। इस दौरान मतदान करने पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी की ही जीत सुनिश्चित है। हर समाज हर वर्ग का वोट माला राठौर के साथ है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है महापौर पर और उत्साह है वोटों, हर समाज हर वर्ग ऐसा है। ये तो समय बताएगा, रिजल्ट आएगा। और साइकिल की हवा कमी नहीं, साइकिल की हवा जो है बगैर हवा के भी पहिया चलता है, अगर कम हवा भी हो जाती है तब भी पहिया चलाता है। साइकिल जो है ऐसी सवारी है, ना पेट्रोल ना डीजल, और हर छोटे मीडियम गरीब तबके के पास साइकिल ही साथ देती है। और ये सारे समाज का वोट भी समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है। हर समाज हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर। वहीं औरैया में द्वितीय चरण चुनाव को लेकर सुबह से ही लोग घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाल रहे हैं। वहीं बुजुर्ग भी व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान स्थल तक पहुंचते नजर आए और अपने मत का प्रयोग किया। बताते चले कि युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वहीं जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान के साथ जनपद में भ्रमण कर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। मुझे कि हमारे नगर का विकास कर सके, हमारे समाज का विकास कर सके, कहना चाहते हैं कि जो विकास करें उसी की जीत हो, अच्छी बात है। देखिए, हमने तीन श्रेणियों में बांट रखा है, एक अति संवेदनशील प्लस, अति संवेदनशील संवेदनशील, बाकी जो बचे वो सामान्य है। अति संवेदनशील पे हमने वेबकास्टिंग कैमरे लगाए हुए हैं जिसको कहीं भी आयोग भी सीधे देख सकता है और हम जिला कंट्रोल से भी हर बूथ देख रहे हैं। अति संवेदन पे हम लोगों ने वीडियोग्राफर लगाया हुआ है, संवेदनशील पे हमारे फोटोग्राफर हैं और सामान्य भी फोटोग्राफर हैं। तो इस तरह सारे ही केंद्र को हमने कवर कर रखा है और किसी भी समय हम साक्ष्य सहित उसको देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। फोर्स के लिए इसी क्रम में फोर्स लगी हुई है, सामान्य है तो 1+2 है, अति सामान्य ऐसे फोर्स बढ़ती जाती है। यहाँ पर हमारे 2 SI होंगे, SSI होंगे और साथ में ढेर सारी फोर्स होंगी। हमें पैरामिलिट्री फोर्स भी SSB मिली हुई है, उन्हें भी हमने डिप्लॉय किया हुआ है। तो बिल्कुल बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है और उम्मीद करते हैं कि कहीं भी अभी तक जो 3 घंटे का मतदान हो गया है, लगभग 25% 24% है औसत, तो कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। वहीं लखनऊ में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी धर्मों के वरिष्ठ धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। हिंदू धर्म गुरु आचार्य कृष्ण मोहन महाराज, मुस्लिम धर्म गुरु वाली फारूकी कृष्णानगर गुरुद्वारा से, सिख धर्म गुरु कश्मीर सिंह, क्रिश्चियन धर्म गुरु संदीप ने भाईचारे का संदेश दिया। सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने आपस में मिलजुल कर भेदभाव समाप्त करने को कहा और सबको भाईचारे का संदेश भी दिया। सुन्नी मजलिसे अमल के समारोह में सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। कोई गरीब है, गरीब लड़की की शादी करनी है, या कोई लाचार है जिसके पास पैसा नहीं है, उसके बीमारी का इलाज करना है, तो यही एक इंसानियत है। हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, काल खाए के छतू दे नानक राह पछाने से। काल खाए का मतलब होता है मेहनत करके कमाओ और कुछ इन हाथों से अच्छा कर्म करो जिससे कि मानवता की भलाई हो। तो ये सबसे अच्छा जो है इंसानियत का संदेश ये है कि एक दूसरे के साथ मिलके भाईचारे को बढ़ा के रखना, एक दूसरे के काम आना, यही एक इंसानियत है। इसके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ कि
इसकी एक अच्छी पहल है कि सब धर्मों को मिला करके सब लोगों को एक साथ जोड़ करके एक अच्छा संदेश जा रहा है कि हमें एक यूनाइट होकर रहना है, एक प्रेम में रहना है, क्योंकि हमारी जो ताकत है, हमारी जो देश खूबसूरती है, वो हमारी एकता में है। तो इस बात की तरह चाहता हूँ कि हमें जरूरी है कि हम एक रहे, और ये एक अच्छा संदेश है यहाँ से कि जब हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम लोग जो यहाँ पर जमा है इस बात के लिए कि हम इस भाईचारे की जो नीति है हम इसको और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। मैं तो इस कार्यक्रम में सम्मेलन में शायद दूसरी या तीसरी बार आया हूँ, और जो लोग आते हैं वो बहुत खुश होकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ से समाज को, देश को, प्रदेश को एक अच्छा पैगाम जाता है। अच्छा पैगाम इस नाते कि सब में भाईचारा हो, प्रेम मोहब्बत हो, और इसको फैलाएं लोग, और समाज के लिए भी अच्छा कार्य इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है और बहुत पहले से किया जा रहा है। गरीबों के लिए, असहाय के लिए, मजबूर के लिए, गरीब कन्याओं के लिए, बीमारों के लिए, ये सारे कार्य जो है अपंगों के लिए ये काम किया जा रहा है, और इस तरह से जो संदेश जा रहा है सभी धर्मगुरुओं के माध्यम से ये बहुत अच्छा जा रहा है। और आपने बहुत अच्छा इस कार्य को शुरू किया है, और सब लोग इसमें खुश हैं, और हर आदमी ये चाहता है ये पैगाम और ये कार्यक्रम हमेशा होता रहे, जिससे लोगों को अच्छा समाचार और प्रेम भाई भाईचारे संदेश मिलता रहे। आप देख रहे हैं कि जिस दिन से ये कोशिश की गई उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ी, गली गली, घर घर, महल्ले महल्ले जाकर लोगों की खुशामद करना पड़ी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। वो व्यापारी जो लखनऊ शहर में आकर के काम नहीं करना चाहता था, परेशान रहता था, आज पूरी तरीके से अमन अमान का शहर बना हुआ है लखनऊ शहर। जनता तहजीब पूरी तरीके से कायम है, हर आदमी इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ सांस ले रहा है और अपना कारोबार कर रहा है। हमारी पहली कोशिश यही है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ में पुलिस व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है। पहले की अपेक्षा पुलिस व्यवस्था के कड़े इंतजाम दिखाई दिए गए। डीएम और एसएसपी के द्वारा लगातार बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही जनता को निर्भीक होकर वोट करने की अपील की जा रही है। साथ ही मौजूदा हालातों में निकाय चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए एसपी ग्रामीण से जब बातचीत की गई तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं अलीगढ़ जनपद में, सभी जो अपनी व्यवस्था है, क्लस्टर मोबाइल हो गई, क्यूआरटी हो गई, सेक्टर मोबाइल हो गई, वो सब भ्रमणशील हैं। सारे अधिकारी मौके पे सेंटर जा जा कर के चेकिंग कर रहे हैं, और पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव चल रहा है। वहीं बाराबंकी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत रामनगर का आज शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव चल रहा है। मतदान स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे डीएम अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह दलबल के साथ रामनगर पीजी कॉलेज पहुंचकर सभी मतदान बूथों का निरीक्षण किया, और वहीं पर संबंधित अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सकुशल चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। वहीं शाहजहांपुर में नगर निकाय चुनाव में फर्जी वोटिंग के लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मौके से प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, असली और कई फर्जी आधार कार्ड आदि बरामद हुए। प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि कांट अभियान रोड एक स्थान पर कुछ लोग फर्जी वोटिंग के लिए फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी करते हुए सरगना सहित 3 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। और वहां 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं थाना काट की पुलिस द्वारा, मुबीन, एहसान और जफर। इनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल तक की है, और ये सभी थाना काट क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनके कब्जे से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन्स, 44 जो असली आधार कार्ड हैं वो मिले हैं, 55 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, वोटर लिस्ट मिली है, वोट की पर्चियां मिली हैं, और लैमिनेशन मशीन बरामद की है। ये इनको विभिन्न लोगों द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया, और इनको ये बताया गया कि इस नंबर, इस नाम पते के जो वोटर लिस्ट में है, नाम पते के आप फर्जी आधार कार्ड बना के दे दो, तो उस आधार पे ये इस तरह का गलत।
सिद्धार्थनगर में निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने जहां चौक चौबंद व्यवस्था की, तो वहीं नवसर्जित आदर्श नगर पंचायत बिस्कोहर के मतदाता भी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने विकास को नई गति देने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने अपने चहेते प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदान कर रहे हैं। मतदान में बुजुर्गों सहित छात्र युवाओं वर्ग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। समर्थन है, पहले से ही जनता ने मन बना रख लिया था और कमल ही चल रहा है सब जगह। अभी तनवीर से बातचीत कर रहे थे कि शायद समाजवादी पार्टी जीत जाएगी और बीजेपी का कुछ भी नहीं। गलत है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, उनको कभी कुछ आइडिया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में और ये जो निकाय की सरकार बढ़ रही है, आप देखिएगा विकास को कितनी गति मिलेगी। प्रदेश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आम सुविधाओं पे पूरा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से शाहजहानपुर के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की ओर अग्रसर हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। महापौर का पद बहुत वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ट्रिपल इंजन का यहाँ पे विकास होगा, वैसे पहले भी चल रहा है और आगे। वहीं सिद्धार्थनगर में निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने जहां चौक चौबंद व्यवस्था की, तो वहीं नवसर्जित आदर्श नगर पंचायत बिस्कोहर के मतदाता भी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने विकास को नई नीति देने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने अपने चहेते प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदान कर रहे हैं। मतदान में बुजुर्गों सहित छात्र युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो कैसा महसूस लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। कितना उम्र है आपका? 90 साल। उम्र 80 बरस का। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे? विकास। बिस्कोहर नगर पंचायत में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, ऐसे में आप वोटर हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने आए हैं? विकास मुद्दा है और ये जात पात और धर्म का खत्म करने का मुद्दा है, इसी पे हम लोग वोट डालने गए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे बिस्कोहर में गाना में नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है और बिस्कोहर फर्स्ट चांस हम लोग नगर पंचायत का वोट करने जा रहे हैं। बिस्कोहर नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहा है, आप वोट डाल करके आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल उपाध्याय है। बिस्कोहर नगर पंचायत में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? जी, हमने मतलब विकास के मुद्दों और जैसे स्कूल हुआ, सड़क हुआ, नाली हुआ, इन मुद्दों को लेकर मतलब वोट डाले हैं और वोट डाल दो तो मतलब बहुत अच्छा भी हमें लगा, पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ बिस्कोहर नगर पंचायत में पहली बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में आप लोगों ने मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया? हम लोग चाहते हैं मतलब सबकी की जीत हो और बिस्कोहर का विकास हो। तो पहली बार वोट डाल करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग पढ़ाई करती हैं? जी। किस क्लास में हैं? ये मैं मेरा डीएलएड कंप्लीट हो गया, सुपर टेट का तैयारी कर रहा हूं। यानी बिस्कोहर को किस प्रकार से जो है विकास के रूप में देखना चाहती है? सर्वांगीण विकास। इस बार इस समय हम मौजूद हैं बिस्कोहर नगर पंचायत में। जैसा कि बताते चले कि बिस्कोहर नगर पंचायत का अभी जल्द में गठन हुआ है और यहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए जनता बेहद ही उत्साहित, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स के जवान ये सब लगाए गए हैं, जिससे मतदान सकुशल संपन्न कराया जा सके। अभी सुबह 9 बजे के बजे तक का बात किया जाए तो सिद्धार्थनगर जिले में 9.5% से अधिक मतदान हो चुका है, वहीं बिस्कोहर नगर पंचायत में सुबह 9 बजे तक 8.58% मतदान रहा। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विशेष रुझान इस बार निकल करके बिस्कोहर नगर पंचायत का आएगा और अपने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए किस प्रकार से यहाँ की जनता उत्सुक है, लालायित। जैसा कि बताते चले कि जो आज मतदान हो रहा है, इसका मतगणना 13 तारीख को हुए और एक दिन बाद ही यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष का
कौन चुनता है वो 13 तारीख को ही कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आज जानते हैं किस प्रकार से बिस्कोहर नगर पंचायत क्षेत्र की जनता अपने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए उत्साहित है, क्या कुछ विशेष लेकर के अपने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेगी। जी प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। आज नगर निकाय का चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, क्या कुछ आपका विशेष उद्देश्य होगा। नहीं तो चुनाव तो अच्छा चल रहा है और भीड़ तो ज़्यादा है बिस्कोहर में और कोई मुद्दा नहीं है। कौन अध्यक्ष बनेगा वो तो 13 तारीख के बाद पता चलेगा कि 14 का कौन जिसके सर पर बनेगा। पगड़ी कुछ मन में उम्मीद रख करके ही नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो क्या कुछ ध्येय, क्या कुछ मुद्दा लेकर के आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो लड़ रहे हैं उन पर आप मोहर लगाएंगे, क्या कुछ मुद्दा? तो बहुत वादा किए हैं, जो जो अध्यक्ष ही लड़ रहे हैं मुद्दा बहुत वादा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई नलिया बनवा देगा, कोई ये बनवा देगा, रोड बनवा देगा, कोई सफाई कर्मी में करा देगा, कोई आवास लाएगा, कोई आवास लाएगा, तमाम मुद्दा उठा रहे हैं लोग। तो आपका मुख्य मुद्दा क्या है जिसके लिए आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, क्या सोच करके आप अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को वोट करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि हमारा नगर पंचायत बिस्कोहर नया बना है तो हम अध्यक्ष कम से कम अच्छे आदमी को चुने, अच्छे आदमी को चुने, भविष्य में आदमी काम आए, सब गरीबी रेखा के आदमियों या बड़े आदमियों के लिए। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप यहाँ के वोटर हैं जी, तो क्या कुछ विशेष लेकर के आप वोटिंग करेंगे जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्या कुछ आपका? जैसे हमारा कहना है, जो भी है हमारे साथ, हम अपने मतलब जो भी चेयरमैन बनेगा हमारे लिए कुछ विकास है, तो आप विकास का मुद्दा लेकर के वोट करेंगे जी। वोटिंग प्रतिशत देखा जाए, पहली बार नगर पंचायत का यहाँ गठन हुआ है, तो ऐसे में मतदाताओं में क्या उत्सुकता है, आप पहली बार वोट कर रहे हैं अपने नगर पंचायत अध्यक्ष? तीन बार कर चुके हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं। कहाँ किए हैं? इससे पूर्व में हाई स्कूल में वो नहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पहली बार हो रहा है, पहली बार कर रहे हैं, क्या कुछ कैसा महसूस हो रहा है? महसूस यही है कि जो हमारे लिए लेके आएगा जो भी चेयरमैन बनेगा, हम यही चाहते हैं कि मतलब जनता का काम है तो बिस्कोहर का विकास। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।